भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदेव शर्मा जी, लोकप्रिय सांसद और जिनके साथ में लंबे समय तक संसद में मुझे भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे श्रीमती जस कौर मीना जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, जिला संगठन के प्रभारी श्री संजय सिंह नरुका जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परमानी जी, जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रामविलास मीना जी, पूर्व मंत्री श्री भूपेंद्र सैनी जी, पूर्व सांसद श्री राम कुमार वर्मा जी, श्रीमती नीलम गुर्जर जी, श्री शमशेर सिंह जी, श्री रवि पालीवाल जी और भारी संख्या में आज लालसोट विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को राम राम सा। भाइयों बहनों, विधानसभा चुनावों के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां आया हूं। पिछले 5 वर्ष में राजस्थान में बहुत कुछ होया है। जो राजस्थान अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता था, जिस राजस्थान में भक्ति और शक्ति दोनों एक साथ बहती हुई दिखाई देती थी, जो राजस्थान अपने आन मान और शान के लिए जाना जाता था, और ये बहनों वो राजस्थान आज यहां पे करा रहा है। कहीं कन्हैयालाल तेली की हत्या होती है, कहीं पर बहन और बेटियों के साथ जिस प्रकार का अपराध होता है, आज राजस्थान के बारे में, राजस्थान की इस बदहाल स्थिति के लिए राजस्थान जाना जा रहा है। भाइयों बहनों, जिस राजस्थान में प्राचीन काल से इस सौर्य और पराक्रम के स्मारक के रूप में यहाँ के पर्यटन को देश के अंदर अग्रणीय स्थान पर पहुंचाने के लिए सम्माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत जी के समय में पर्यटन विकास के अनेक कार्यक्रम आगे बढ़े थे। भाइयों बहनों, आज पर्यटन तो दूर, वे सब भी खराब स्थिति में है, विकास ठप पड़ा है, नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसान बदहाल स्थिति में है, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है। भाइयों बहनों, राजस्थान आज के दिन पर जब हम राजस्थान की बात करते हैं, तो भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर एक कर दिया है, महिलाओं पर अपराध में नंबर एक पर हो गया है, साइबर अपराध में नंबर एक पर हो गया है, बिजली की दरों में नंबर एक पर, डीजल पेट्रोल में वेट लगने पर नंबर एक, महंगाई इंडेक्स में नंबर एक और परीक्षाओं के पेपर लीक में भी नंबर एक, मंडी टैक्स में भी नंबर एक। भाइयों बहनों, जब देश बदल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर एक विकसित ताकत के रूप में स्थापित हो रहा है, विकसित देश के रूप में स्थापित हो रहा है, दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, उनका सम्मान पलक पावड़े बिछा करके पूरी दुनिया करती है, सम्मान भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है।
कांग्रेस के शासनकाल में घुसपैठ होती थी, आतंकी वारदात होती थी। आज उन्हें मालूम है आतंकवादियों को भी, उनकी आताओं को भी, कि भारत के अंदर घुसपैठ करना और आतंकी घटना को अंजाम देने का मतलब ये है कि फिर भारत के बहादुर जवान उन्हीं की मार में घुस करके मारेंगे भी। उन्हें मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेगा भी नहीं। और भाइयों बहनों, ये भारत नया भारत है, समस्या का समाधान करना जानता है। समस्या कांग्रेस ने दी आतंकवाद की, समाधान मोदी जी ने दिया। समस्या नक्सलवाद की कांग्रेस ने दी, समाधान मोदी जी ने दिया। औरंगाबाद की समस्या कांग्रेस ने दी, समाधान मोदी जी ने दिया। अराजकता कांग्रेस की देन थी और उसे सुराज में बदलने का काम मोदी जी ने किया। अविश्वास कांग्रेस सरकार के समय पैदा हुआ था, उसे विश्वास में बदलने का काम मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, विकास के कार्यों की चर्चा अभी यहाँ पर हमारे प्रत्याशी कर रहे थे, हाईवे कैसे होने चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर 38 किलोमीटर हाईवे का निर्माण प्रतिदिन हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, एम्स, आईएम, आईआईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला लगातार। आपकी माननीय सांसद संसद में हमेशा इन विकास के मुद्दों पर बोलती थी, इन मुद्दों को उठाती थी, यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर के संसद में लड़ती थी। और भाइयों बहनों, आज परिणाम है कि कोसा जनपद में भी केंद्र की योजनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन राज्य की योजनाएं गायब है। याद करिए कि कांग्रेस 55 वर्षों में कुछ नहीं कर पाई, मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 12 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय दे दिया। 12 करोड़ का मतलब 1200 लाख परिवारों को, 1200 लाख परिवारों को। भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास दे दिया, 4 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन पहुंचा दिए, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर 50 करोड़ लोगों को दे दिया। और भाइयों बहनों, हमारे नौजवानों के लिए स्टैंडअप की योजना, स्टार्टअप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, मिशन रोजगार की योजना, और जो संकट का साथी है, जब दुनिया के अंदर संकट आया कोरोना की, मैं आज ही समाचार पत्र पढ़ रहा था, अमेरिका में, चीन में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत सुरक्षित है क्योंकि मोदी जी ने 2 ऐसी वैक्सीन दी जिसने वैक्सीन लिया कोरोना समाप्त। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत विकास भी कर रहा है, सुशासन का लाभ भी नागरिकों को दे रहा है, सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है और आपकी आस्था का भी तो सम्मान कर रहा है। याद करिए, कांग्रेस की सरकार ने रामनवमी को यहां कर्फ्यू लगा दिया था, रोक लगा दी रामनवमी के जनता पर, लेकिन हम लोग 500 वर्षों की जो समस्या थी, आज यूपी में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है ना,
भाइयों बहनों हो रहा है ना। और आप देखिए ये कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, कहते हैं राम और कृष्ण हुए ही नहीं। यानी ये राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हम सबके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे तो प्रत्याशी का नाम ही राम विलास है, हमारा संबोधन ही राम राम है। यानी पैदा होते भी राम राम और अंतिम यात्रा भी राम नाम सत्य है करती ही। गांधी जी ने भी अंतिम समय में हे राम ही कहा था ना। लेकिन कांग्रेसी कहते राम हुए ही नहीं। यानी सबसे पहले केवल एक कांग्रेसी ही पैदा हुए थे, उससे पहले कुछ भी नहीं। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। और भाइयों बहनों इसीलिए मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए, एक कांग्रेसी केवल माफिया पालते हैं, बजरी माफिया, धनी माफिया, भू माफिया, पशु माफिया और अपराध में सरकार के संरक्षण में बड़े वे माफिया। और भाइयों बहनों इन्हीं माफियाओं का इलाज हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अच्छा लगता है ना जब उत्तर प्रदेश में माफिया का इलाज होता है, कैसा लगता है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो माफिया नहीं पनपते। और भाइयों बहनों याद करिए 5 वर्ष पहले जब श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार थी, जनता की सुनवाई होती थी, विकास भी होता था और साथ साथ सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी था। और इसीलिए आज हम आए, सुरक्षा सुशासन और विकास के लिए बीजेपी आवश्यक है और आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए भी बीजेपी आवश्यक है। ये डबल इंजन की सरकार होगी, डबल स्पीड से कार्य होगा। और भाइयों बहनों इसी के लिए आज हम आए आपसे कहने के लिए, आपके उत्साह को देख करके सबको भी ये बहुत अच्छा लगा कि आपने श्री रामविलास मीणा जी को अभी से तय कर लिया है कि चुनाव जिता करके भेजेंगे। सहमत है भाइयों बहनों। और मैं भी यही कहने के लिए आया हूं, अब किसी को संदेह है कि वो क्या है राम मंदिर बनने में, किसी को कोई संदेह तो नहीं है ना। सब लोग मानते हैं एक जगह राम मंदिर बन रहा है ना। और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान भी राम मंदिर में करेंगे। अब आप बताइए कितने लोग अयोध्या में इच्छुक हैं। भाइयों बहनों मैं आपसे अपील करूंगा, रामविलास मीणा जी को और दौसा विधानसभा संसदीय क्षेत्र में जितने भी विधानसभाएं हैं वहां के हर भाजपा के विधायक प्रत्याशी को जिता करके जयपुर भेजिए। और भाइयों बहनों मैं जसकौर जी से, रामविलास मीणा जी से कहूंगा कि 22 जनवरी के बाद लाल सौट से भी और दौसा संसदीय क्षेत्र के सभी राम भक्तों को लेकर के उसके बाद ये लोग अयोध्या आए, अयोध्या में हम लोग सहमत हैं। तो 25 नवंबर को कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को रामविलास मीणा जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे ना। सभी लोग तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।